हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुदित सिंह एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू शिवम क्लासेस एंड फिजिक्स जोन। तो आज फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रॉप्स क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन, और क्रॉप्स प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है, प्रोडक्शन क्या होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, स्टेप्स जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं वो सारे स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे। और उन स्टेप्स में हमने कुछ स्टेप्स समझे भी थे, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल समझा था हमने, फिर हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा हमने सोइंग ऑफ सीड्स भी देखा था। एंड लास्ट लास्ट में हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में डिफरेंसेस क्या क्या है, कौन सा बेहतर है कौन सी कंडीशन में, है ना। तो एक टॉपिक एक्चुअली हमारा मैन्योर के बारे में रह गया था, दैट एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, जो यहाँ पे आपको लोग दिख रहा होगा, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। सो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या है ये आज हम देख लेते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, है ना। ऑब्वियसली वो बेटर है क्योंकि ऑर्गेनिक है, फार्मर की मेहनत लगी है वो बनाने में, और नेचुरल प्रोसेस से बना है तो ऑब्वियसली वो बेटर होगा। लेकिन कैसे, क्या रीज़न है कि हम उसे बेटर कह रहे हैं, तो आओ वो रीज़न देख लेते हैं बच्चों। देखो, इट एनहेंसेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इट एनहेंसेज, एनहेंसेज मतलब कि बेहतर बनाती है, इम्प्रूव करना, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। पोरस यानी कि ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर जगह काफ़ी ज़्यादा होती है, दो पार्टिकल्स के बीच में जगह ज़्यादा होती है। जनरली ऐसी मिट्टी ह्यूमिड इन नेचर होती है तो पोरस बना देती, नरम मिट्टी बना देती है उसे। मैन्योर की वजह से वो नरम हो जाती है मिट्टी, कड़क नहीं हो जाती जैसा कि फर्टिलाइजर के यूज़ की वजह से होती है ना। उसके बाद हमने पिछली बार बात किया था कि माइक्रोब्स जो है फ्रेंडली है जमीन से, सॉइल से, तो मैन्योर जो है उनके नंबर ऑफ माइक्रोस माइक्रोब्स को इंक्रीज कर देते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स ही कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीज कर देते हैं, एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल भी बढ़िया हो जाता है। टेक्सचर ऑफ सॉइल का क्या मतलब है, टेक्सचर ऑफ सॉइल की मिट्टी अच्छी दिखती है, गीली डार्क कलर की न्यूट्रिएंट मिनरल वाली सॉइल दिखती है ना। तो टेक्सचर ऑफ सॉइल भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इरिगेशन। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने सुन रखा है कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट 70% ऑफ वाटर, तो क्या आपको पता है प्लांट्स में कितने परसेंट ऑफ वाटर होता है। सी, वाटर इज रियली इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलता है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर पानी जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, और बाकी का जो पानी है वो अलग अलग फॉर्म्स में है हमारे पास, है ना। सो वाटर सभी के लिए ज़रूरी है, लाइक प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। तो जब तक पानी नहीं मिलेगा सीड को, तब तक सीड प्लांट में ग्रो नहीं करेगा। तो उस ग्रोइंग प्रोसेस को जो है हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। जब सीड एक बीज में से छोटी सी फली निकल करके बाहर आती है और
वो आपको एज रूट रूट जैसा बाहर निकल के आता है, उसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपने कभी चने भिगो करके खाए होंगे, उसमें से बाहर निकलता है, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, है ना। वो जो रूट्स जैसा बाहर निकला है चने में से, या फिर आपने कभी गीले रुमाल के अंदर मूंग भिगो करके रखा हो, तो भी आपको पता चलेगा, है ना, कि जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है। तो तब आप क्या करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड करते हैं। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर, एंड वाटर के बिना इरिगेशन पॉसिबल नहीं है। इरिगेशन है क्या, इरिगेशन इज सप्लाई ऑफ वाटर जो आप रेगुलर इंटरवल पे क्रॉप को दे रहे हो, है ना। पानी देना ही तो क्रॉप को, उसी प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं, है ना। अगर आप हर थोड़ी देर में, जैसे कि दिन में 2 बार पानी देते हैं अपने खेत में, तो उसे इरिगेशन कहते हैं। ओके, सो प्लांट्स जो है वो 90% वाटर के ही बने होते हैं, और जो उनका सीड है वो तब तक जर्मिनेट नहीं होगा जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा। और जैसे ही उसे पानी मिलेगा, कंटिन्यूअसली जो रूट्स हैं सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करती रहेंगी, और ये जो पानी है प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाएगा, और वही वो सारे पार्ट्स भी ग्रो करने के लिए, लाइक लीव्स, वाटर का बहुत यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, ताकि वो ग्रो कर सके, वो बड़े हो सके, है ना, उनके पास एनर्जी आए। इसीलिए वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इरिगेशन में भी, एंड हमारे लिए भी, ओके, क्रॉप्स के लिए भी। तो यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है दैट प्लांट्स कंटेन 90% ऑफ वाटर, व्हाट इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, एंड न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है पानी के साथ डिजॉल्व होकर के प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाता है, ताकि प्लांट्स ग्रो कर सके, है ना। इसके बाद प्लांट्स सिर्फ इतना ही नहीं करते, वाटर सिर्फ प्लांट के लिए इतना ही हेल्पफुल नहीं है, वाटर प्लांट्स को बचाता है फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स कंडीशन से। फ्रोस्ट एंड हॉट एयर कंडीशंस क्या होती है सर? देखो, फ्रोस्ट जो वर्ड है ये फ्रीज वर्ड से बना हुआ है, फ्रीज यानी कि जम जाना, तो पत्तों को जमने से भी बचाता है, एंड हॉट एयर करंट्स में पत्ता गर्मी में सूख ना जाए उससे भी बचाता है। तो वाटर इसलिए भी जरूरी है, ताकि वो सॉइल के अंदर मॉइस्चर बनाए रखे। इरिगेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि सॉइल अच्छी रहे, प्लांट अच्छे से ग्रो करे, बड़ा हो, और प्लांट को प्रोटेक्ट भी कर सके, है ना। तो इरिगेशन, यार यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दी हुई है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। और ये टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या लिखा है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज क्रॉप टू क्रॉप। यानी कि जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स। तो खारिफ क्रॉप्स जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए हम उन्हें रेनी सीजन्स में उगाते हैं, एंड राबी क्रॉप्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसलिए बाकी का जो 6 महीने का पोर्शन है उसमें हम राबी क्रॉप्स उगाते हैं। तो खारिफ क्रॉप्स में ज़्यादा पानी चाहिए, इसीलिए उसमें हम ज्यादा पानी डालेंगे। ज्यादा पानी डालने के लिए हम एक ही बार में, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे प्लांट को डुबा देंगे पानी के अंदर, नहीं, हम प्लांट में ज्यादा बार पानी डालेंगे, हर 3 घंटे 4 घंटे पे पानी डालेंगे, और दूसरे प्लांट को शायद 2 दिन में एक बार डालना पड़े, है ना। तो इस तरह से हमारा फ्रिक्वेंसी या फिर टाइम इंटरवल ऑफ इरिगेशन चेंज होता रहता है क्रॉप टू क्रॉप। ओके, अच्छा, अब
इरिगेशन के सोर्सेज क्या है? सोर्सेज क्या है मतलब देखो, इरिगेशन में आपको क्या चीज की जरूरत है? पानी की जरूरत है। तो पानी की अगर जरूरत, तो पानी कहाँ से आएगा? तो ऑब्वियसली पानी या तो कुएं से आएगा या तो नदियों से आएगा। सी हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर सॉल्टी वाटर होता है जो इरिगेशन में काम नहीं आएगा। लेक्स हम काउंट कर सकते हैं, है ना? तो इन सब तरह की चीजें हम लोग काउंट कर सकते हैं। और अगर कहीं पे वाटर टैंक्स वगैरह खेतों में लगा रखे हैं तो हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनली। लेकिन अभी तो बहुत सारे तरीके हैं, लाइक हमारे पास मोटर्स रहती है और हम लोग पाइप से पानी सब जगह फैला देते हैं। आप लोगों को पता ही है, आज की तारीख में पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले तो पानी लेने के लिए लोगों को कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता था। उस टाइम पे इरिगेशन किस तरह से किया जाता था, उसके ट्रेडिशनल मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, देखो तो कुआं थोड़ी सी ऊंचाई पे है, तो जो खेत है वो थोड़ा ढाल पे बनाया गया है। खेत यहाँ पे थोड़ा ढाल पे बनाया गया है यहाँ इस पोर्शन में, ताकि यहाँ पे पानी बह करके जाए। जैसे ही वो जो किसान है यहाँ पे पानी डाले तो वो खेत के अंदर बह जाए, ठीक है? तो इस ऐसी जगहों पे पानी डालता था, क्योंकि हर पूरे खेत में पानी लेकर के घूमना तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसीलिए किसान इस तरह के आइडियाज लगाते थे ट्रेडिशनल वे, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में। तो ये अगर ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, तो इन ट्रेडिशनल मेथड्स का नाम भी होगा, है ना? उन ट्रेडिशनल मेथड का नाम नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है। पहला नाम है मोट और पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम आपको यहाँ पे ही इसी पहले पिक्चर में दिख रहा है, मोट के अंदर ये एक पुली है। पुली यानी कि एक पहिया है जो रस्सी में बांध करके, रस्सी जिससे जिसके ऊपर रस्सी लपेट करके एंड फिर बाल्टी से खींचा जाता है। आप सभी ने देख रखा है पुली, बस आप अलग अलग नाम से शायद बुलाते हो। उसके बाद दूसरा नाम है, यहाँ दिख रहा है आपको, चेन पंप। चेन पंप क्या होता है सर? देखो ये रहा चेन पंप। चेन पंप में वाटर को काफी दूर से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता था। कैसे? तो इस तरह के व्हील्स पे चेन लगा दी जाती थी बहुत दूर। सपोज कहीं यहाँ पे एक और व्हील है जहाँ पे पानी है, तो इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक चेन लगा देंगे। अब इस चेन के ऊपर लगी होगी इस तरह से बाल्टी, जैसे यहाँ पे बाल्टी लगी हुई है, वैसे ही इसके ऊपर एक बाल्टी यहाँ है, एक बाल्टी यहाँ है। तो ये वाली जो बाल्टी है, ये वाली बाल्टी यहाँ से पानी ले करके और यहाँ आएगी और यहाँ पे गिरा देगी, और ये वाली बाल्टी खाली होकर के फिर ऊपर से जाएगी ऐसे, और फिर वापस से बाल्टी भर के इधर लाएगी, फिर वापस यहाँ आएगी तो खाली करके गिरा देगी। तो इस तरह से वो खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था, है ना? फिर अगला मेथड क्या है? देखो अगले मेथड का नाम यहाँ पे लिख रखा है ढेकली। तो ढेकली मेथड के अंदर बड़ा ही सिंपल मेथड था। इसमें सिर्फ बाल्टी को एक लकड़ी के साथ बांध दिया है, एक लकड़ी के साथ बांध दिया है, जो लकड़ी इस तरह के हुक के साथ खड़ी है। अब ऐसे खड़े रखने से फायदा क्या है? बाल्टी का वजन फील नहीं होता। बाल्टी बहुत अंदर तक जा सकती है एंड बाल्टी का वजन फील नहीं होगा, और आप इजीली पानी भर के एंड बाल्टी बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद में उसको उसको किसी भी चीज से फंसा दो, रस्सी या किसी भी चीज से, और फिर बाल्टी पकड़ के और खेत में पानी डाल सकते हैं, है ना? और एक मेथड रह गया है, वो है राहत। राहत का एक और नाम यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ, लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम ये तकरीबन तकरीबन जो चेन पंप है उससे सिमिलर है, लेकिन इसमें मैनुअल लेबर काम नहीं करता, इसके अंदर बुल काम करता है। बुल किस तरह से काम करता है?
देखो इसी तरह का यहाँ पे भी व्हील लगा हुआ है। ये जो व्हील है इसके ऊपर जो बाल्टीज या फिर जिसमें भी हम पानी भर सकते हैं ऐसी चीजें लगा रखी। अब उससे कनेक्ट कर देंगे एक रस्सी को और उसको बांध देंगे बुल से, और बुल इस लकड़ी के चारों ओर घूमेगा तो क्या होगा कि रस्सी इस लकड़ी पर लपेटाती जाएगी, लपेटाती जाएगी, रोल होती जाएगी। और जैसे ही रोल होती जाएगी कुएं में से या फिर पॉन्ड में से पानी खींच करके ऊपर की तरफ आता जाएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक और बार मुझे समझाने के लिए कह सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सबसे ज्यादा इजी तरीका था जिसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। इसमें हम कुएं में से पानी निकालना बड़ा ही इजी हो जाता था, ये सारा काम तो बुल को करना है ना। तो ये आखिरी मेथड था हमारा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हम इनको यूज करते थे तो अब नहीं यूज करते क्या? नहीं यार, अब नहीं यूज करते। अब तो हम लोगों के पास मोटर पंप्स वगैरह वगैरह जैसी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी की यूज से हम लोग उन पंप्स को यूज करते हैं, इरिगेशन में यूज कर लेते हैं उनका। अब तो पानी ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए इतना बड़ा टास्क नहीं है जितना बड़ा पहले हुआ करता था। अब वाटर इरिगेशन इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज मच इजियर देन बिफोर। ओके, अच्छा फिर थोड़े से मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन भी देख लेते हैं, है ना। पहला मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इज, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का मतलब है आज की तारीख में हम इरिगेशन के लिए क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे इरिगेशन करते हैं, क्रॉप्स तक कैसे पानी पहुंचाते हैं। तो पहला मेथड है उसका नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा ग्राउंड्स के अंदर कई बार आप लोग जो फुटबॉल ग्राउंड या फिर आपके आजू बाजू में कहीं गार्डन या फिर मूवीज में गार्डन के अंदर एक स्प्रिंकलर घूमता रहता है जिसमें से पानी निकलता रहता है और वो पानी छाटता रहता है, उसको कहते हैं स्प्रिंकलर। एंड अगर हम उससे पौधों को पानी दे रहे हैं, हमारे खेत में पानी पहुंचा रहे हैं, तो उसे कहेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। तो हम ये वाला मेथड कब यूज करते हैं? तो हम ये वाला मेथड जो है तब यूज करते हैं जब अनइवन लैंड हो। अनइवन लैंड यानी कि ऊपर नीचे जमीन हो, है ना। ऊपर नीचे जमीन होगी तो मैं अगर एक जगह से बाल्टी डालूंगा तो कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, और अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया तो किसी को बहुत ज्यादा पानी मिलेगा जितनी जरूरत भी नहीं है, तो वो तो वेस्ट ऑफ वाटर है, एंड किसी को बहुत कम पानी मिलेगा। तो हम इसको एक मोटर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और ये जो है जमीन में से निकलता है, जमीन में से सीधा खड़ा हो जाता है जमीन के ऊपर, और इसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल होता है, रोटेटिंग नोजल जो कि कंटिन्यूसली घूमता रहता है, और ये काफी दूर तक पानी पहुंचा सकता है। तो इसके घूमते रहने से क्या है कि काफी दूर तक पानी कंटिन्यूसली पहुंचता रहेगा एंड पूरे के पूरे खेत में हर एक जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर पहुंच जाएगा, जैसे कि बरसात हो रही हो, है ना। तो इसीलिए स्प्रिंकलर सिस्टम इज वाइडली यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एंड ये काफी अच्छा एंड यूजेबल सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेथड का नाम लिखा है जिसका नाम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप वर्ड जो है ड्रॉप वर्ड से बना है। किससे बना है? ड्रॉप वर्ड से। ड्रॉप वर्ड का मीनिंग क्या है? वाटर ड्रॉप, है ना। तो वाटर ड्रॉप क्या होता है? वाटर की बूंद। तो इस सिस्टम के अंदर एक एक बूंद पानी गिरता है। कहाँ गिरता है सर? तो जहां पे आपने क्रॉप्स उगाई हैं उनके पास, उनके रूट्स के पास एक एक ड्रॉप पानी कंटिन्यूसली गिरता रहता है, इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम। तो ये ज्यादातर यूज कहाँ किया जाता है? वाटरिंग फ्रूट्स
प्लांट्स एंड ट्रीज इन द गार्डन, है ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने पौधे उगाए हैं उनके ठीक ऊपर हम एक पाइप लगाते हैं, जिस पाइप में से कंटिन्यूसली पानी एक एक ड्रॉप गिरता रहेगा और वो पेड़ को कंटिन्यूसली पानी मिलता रहेगा, है ना। सो ये वाला मेथड भी काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जाता है, खास करके फ्रूट्स के इरिगेशन में। ओके चलो, अच्छा हमारा अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब ये वर्ड क्या है वीड्स? देखो वीड्स वर्ड का मीनिंग है, इसका डेफिनेशन अभी याद कर लो बच्चों, अभी ही याद कर लो। देखो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलोंग द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है बेटा कि फील्ड के अंदर जो है अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं कई बार, जैसे कि घास उग जाएगा या फिर कोई और बीज या पत्ता कहीं से उड़ करके आ गया अगर हमारे फील्ड में, तो वो भी उग जाएगा। पानी तो हम देते ही रहते हैं कंटिन्यूसली, और हमारी ज़मीन भी अच्छी है क्योंकि हमने फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का यूज़ कर रखा है, तो और दूसरे प्लांट्स का उगना नेचुरल है, लेकिन वो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए। तो ये जो प्लांट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए इन्हें कहते हैं वीड्स। ओके तो अभी ही डेफिनेशन याद कर लो। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो, यानी कि फील्ड के अंदर काफी और अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनचाहे प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विथ द क्रॉप, क्रॉप मतलब जो आप उगा रहे हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। और दो से तीन बार इसको पढ़ो, याद हो जाएगा बच्चों अभी के अभी, और दो से तीन बार इसको पढ़ लो। चलो अच्छा, अगर अब तुम पूछो कि अगर सर ये अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं तो हम इनका क्या करते हैं अगर ये उग जाए तो, हम इनको उगने से कैसे रोकते हैं? हम इनको निकाल देते हैं और इनको उगने नहीं देते। तो उसके लिए हम जो प्रोसेस करते हैं या फिर रिमूवल ऑफ वीड, यहाँ पे देखो अपने बुक में नेक्स्ट लाइन पढ़ो, रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि आपके क्रॉप में से, क्रॉप आपके फील्ड में से वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। हम उसको रूट से ही निकाल लेते हैं बाहर ताकि वो दोबारा ना उगे। ओके रूट से बाहर निकाल करके और दूर फेंक देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। वीडिंग बहुत ही जरूरी प्रोसेस है क्योंकि ये आपका स्पेस और जमीन में से न्यूट्रिएंट, आपका पानी, आपके रिसोर्सेज, इन सभी को यूज तो करता ही है, लेकिन कई बार आपकी क्रॉप्स को खराब भी कर देता है ना। इसीलिए दिस कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इसीलिए वीडिंग प्रोसेस इज रियली इम्पॉर्टेंट। और कई बार तो क्या है कि जो क्रॉप्स उग जाती है वो पॉइजनस भी हो सकती हैं हमारे लिए या फिर जानवरों के लिए, तो इसीलिए जहरीले क्रॉप्स तो हम नहीं उगने दे सकते ना हमारे क्रॉप्स के साथ, इसीलिए हम वीडिंग करते हैं। तो वीड्स पैदा ना हो इसके लिए एक फार्मर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लाइक जब वो हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहा होता है फार्मर, तभी वो जितने भी पत्ते पौधे छोटे छोटे या फिर रूट्स वगैरह उसे दिखती हैं वो सब कुछ निकाल लेता है ना। उसके बाद सोइंग ऑफ क्रॉप्स के टाइम पर भी कुछ भी ना हो इसका ध्यान रखता है, उसके बाद में जाकर के वो वीड क्रॉप उगाने के लिए उगाता है, यानी कि बीज बोता है, सोइंग करता है। फिर भी अगर वीड्स हो जाते हैं तो वो वीडिसाइड्स भी यूज करता है। वीडिसाइड्स यूज करता है मतलब, अच्छा वीडिसाइड्स वो होते हैं जो वीड्स के उगने को कंट्रोल करते हैं। सर कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो ये वीडिसाइड्स जो है ये केमिकल्स हैं जो फार्मर मार्केट से खरीदता है
एंड इसको अपने पूरे के पूरे खेत में स्प्रे करता है, और उसके स्प्रे से दूसरे क्रॉप्स वहां पे नहीं उग पाते, है ना। सो इसको कहते हैं वीडी साइड्स। वीडी साइड्स को यूज करने का सिंपल तरीका है, आप उसको पानी के साथ मिला करके, और जैसे पिचकारी चलाते हैं हम, वैसे ही पूरे खेत में हम उसको छांट देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि हमारी जो क्रॉप है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई क्रॉप उगने की कोशिश करेगा, कोई और वीड उगने की कोशिश करेगा, तो उसको वो नहीं उगने देगा। ओके, देखो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक फोटोग्राफ भी दिया गया है कि इमेज बनाया गया है जिसमें दिख रहा है कि फार्मर वीडीसाइड को स्प्रे कर रहा है अपनी फील्ड में। अगर आप ध्यान से देखो तो उसने पीछे अपने एक पेटी लगा रखी है जिसके अंदर डाइल्यूट वाटर के साथ वीडीसाइड है, और वो उसको फील्ड में स्प्रे कर रहा है। एक और चीज ध्यान देने वाली है बच्चों, वो है इसने इसके चेहरे पर मास्क लगा करके रखा है, जैसा हम अभी कोरोना वायरस के टाइम पे लगा के रखते हैं, वैसा ही उसने भी मास्क लगा के रखा है या फिर कपड़ा बांध के रखा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वीड्स, जो वीडीसाइड है वो केमिकल है, केमिकल प्रोसेस से बना हुआ है, तो ये ऑब्वियसली हार्मफुल हो सकता है फार्मर की हेल्थ के लिए। इसीलिए फार्मर को जरूरी है कि वो मास्क लगा करके रखे। एंड इसीलिए कई बार हम यही वीडीसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना, इन्हीं की वजह से हमें कोई भी चीज रॉ ऐसे ही नहीं खानी चाहिए, या तो हमें उसे अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए या तो फिर पका करके खाना चाहिए। ओके, अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं जिसमें से एक है हार्वेस्टिंग और दूसरा है स्टोरेज। तो हार्वेस्टिंग का शॉर्ट में मतलब है फसल काटना, या फिर उसमें से जो है हमारा हमारा जो क्रॉप है उसको निकालना, क्योंकि इसमें बहुत सारा कचरा होता है ना। सो हार्वेस्टिंग इज हमारे क्रॉप को काटना, और उसका स्टोरेज किस तरह से किया जाता है अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग है। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले से थोड़ा सा पढ़ करके रखें उस, एंड हम इन दोनों टॉपिक्स को अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि मैन्यूर्स क्यों बेहतर है सॉइल के लिए, उसके बाद इरिगेशन समझा हमने, वाटर की इम्पोर्टेंस समझी हमने, और इरिगेशन के तरीके समझे हमने, लाइक ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, फिर वीड्स क्या होते हैं ये पढ़ा हमने, एंड किस तरह से एक फार्मर वीड्स से अपनी फील्ड को बचाता है ये भी पढ़ा हमने। ओके, तो ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों। प्लीज़ नोट्स बनाते रहो और इनको लिखते रहो, इसमें से कई सारे पार्ट आपकी एक्सरसाइज में पूछे भी गए हैं एज क्वेश्चंस, हम लोग देखेंगे उन्हें। तो तब तक के लिए आप आगे के ये दोनों टॉपिक्स जो है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, इन दोनों को पढ़ लीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।